गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 8 होम साइंस क्लास एंड वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 9। और इसका एक टॉपिक हम लोग देख चुके हैं, आज इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एनोफिलीज एंड क्यू लेग्स। टू टाइप्स के मस्कीटोज के बारे में हमने देखा था कि अभी तक जो कि बीमारी को ज़्यादा फैला रहे हैं, मलेरिया फैला रहा है एनोफिलीज एंड डेंगू फैला रहा है क्यूलेक्स। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, जो एनोफिलीज है इट्स विंग्स हैज स्पॉट्स। जो एनोफिलीज मच्छर है उसकी विंग्स पे स्पॉट्स होते हैं और क्यूलेक्स के विंग पे डू नॉट हैव एनी स्पॉट। एनोफिलीज मेक्स 45 डिग्री एंगल सिटिंग ऑन द सर्फेस। जो एनोफिलीज मच्छर होता है वो जब भी किसी भी सरफेस पे बैठता है तो वो 45 डिग्री का एंगल बना के बैठता है, जबकि जो क्यूलेक्स है सिट्स वेरी स्ट्रेट, वो बिल्कुल सीधा बैठता है। स्प्रेडिंग डिजीज़ बाई मस्कीटोज़। अब एक चीज़ यहाँ पे आती है कि मस्कीटोज़ हैं वो डिजीज़ कैसे फैलाते हैं। When the mosquito bites any patient suffering from fever, those germs of fever enter the stomach of the mosquito. अगर किसी ऐसे व्यक्ति को काट लिया जिसको कि फीवर था, तो उस मच्छर के अंदर क्या हुआ कि वो फीवर वाले जर्म्स पहुँच गए। When the same mosquito having germs bite any other healthy person, that person also gets suffered from fever. तब अगर यही मच्छर किसी दूसरे को काटता है जो कि स्वस्थ है, तो उस पर भी अटैक करता है और वो भी सफ़र करने लगता है फीवर से। दस मस्कीटो स्प्रेड फीवर फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। इस तरीके से ये एक दूसरे को बीमारी फैलाते हैं। प्रिकॉशंस टू बी टेकन। अब आप इसके लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, कीप योर हाउसेज नीट एंड क्लीन एंड डू नॉट लेट द ड्रेन्स ओपन एंड फुल ऑफ डिस्पोजल। कहीं भी आप पानी ना रुकने दीजिए, सबको अच्छे से बह सके ऐसी व्यवस्था कीजिए। All the ponds, drains, sewages, pool should be either closed completely or removed away from the nearby place of the house. Always use Bigon, Flitch and other spray chemicals during night. Always use mosquito net before sleeping. Always use mosquito repellent creams जैसे कि ओडोमॉस वगैरह आते हैं, burn mats etc. during night. Windows must be covered with nets. Try to close all the passages in the evening hours. House walls should be regularly whitewashed. Burn dry neem leaves in order to keep mosquitoes away. कि अगर आप मच्छर को भगाना चाहते हो तो सूखी नीम की पत्तियाँ भी इसमें काम आती हैं। अब जो बीमारी फैल रही है दैट इज़ मलेरिया। Until recently, malaria was considered to be the most widespread disease in the world. बहुत ही खतरनाक तेज़ी से फैलने वाली बीमारी का दर्जा इसको मिला हुआ था। बिसाइड्स कॉजिंग मिलियन ऑफ डेथ एवरी ईयर, इट वॉज द चीफ ऑब्स्टैकल इन द वे ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। मिलियंस ऑफ पीपल वेर सो अटैक्ड बाई मलेरिया दैट दे कुड नॉट लीव अ हैप्पी लाइफ। इतना ज़्यादा लोग प्रभावित थे कि वो एक हैप्पी लाइफ जी नहीं पा रहे थे, अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। रिसेंट डिस्कवरीज हैव ग्रेटली रिड्यूस द थ्रेट ऑफ मलेरिया टू मैनकाइंड। बट अब इतनी डिस्कवरीज हो चुकी हैं कि जो मलेरिया है ये जानलेवा तो नहीं है, इसकी मेडिसिन आ गई हैं, इसका इलाज संभव है। द अल्टीमेट विक्ट्री ओवर द डिजीज वॉज पेव्ड द वे ऑफ मेंस कॉन्स्टेट ओवर द ड्रेडेड डिजीज। कॉजेज ऑफ मलेरिया, ओनली द फीमेल एनोफिलीज कैरी द मलेरियल जर्म्स, बोथ मेल एंड फीमेल एनोफिलीज फीड ऑन प्लांट जूस। हालांकि जो फिर ये फीड करते हैं तो ये प्लांट जूसेस पे ही है, इनका जो मेन फूड है दैट इज़ प्लांट जूस। बट द फीमेल एनोफिलीज सक्स ब्लड इफ़ हर फर्टिलाइज्ड एग्स आर टू डेवलप। कि जब भी जो भी फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हिज ब्लड इट्स निडल लाइक माउथ पार्ट पर्स थ्रू द विक्टिम्स स्किन। कि जब भी इनको अपने फर्टिलाइज्ड एग को ग्रो कराना होता है तब ये हमारे ब्लड को सक करती हैं, और ब्लड उनको चाहिए तो वो हमारी बॉडी पे आती हैं, बैठती हैं और स्किन से ब्लड को सक करती हैं। लिक्विड फ्रॉम द इंसेक्ट सलाइवरी ग्लैंड इज देन
squirted into the wound to stop the blood from clotting and to break up the red blood cells, which are too large to pass through the insect's sting. Then the blood passes into insect's stomach. If the victim is suffering from malaria, his blood contains malarial parasite, and some of the of these are sucked with the blood and enter the stomach of mosquito. कि अगर मच्छर ने किसी ऐसे व्यक्ति को काट लिया जिसको कि पहले से मलेरिया था, तो क्या होगा कि उसके ब्लड में मलेरियल पैरासाइट एक्टिव होंगे पूरी तरीके से, और ये मच्छर जब उस व्यक्ति को काटता है, बाइट करता है, तब क्या होता है कि उस ब्लड के साथ कुछ पैरासाइट भी मच्छर के स्टमक में पहुंच जाते हैं. द सेम मॉस्किटो व्हेन बाइट्स अनदर हेल्दी पर्सन इवन ही बिकम्स इन्फेक्टेड ऑफ मलेरिया. दस द फीवर स्प्रेड इन द लोकेलिटी. और इस तरीके से धीरे धीरे करके उस पूरी लोकेलिटी में एक ये बीमारी फैल जाती है. सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. अब मलेरिया के सिम्टम्स क्या क्या हैं? द साइन ऑफ द डिजीज यूजुअली अपेयर इन थ्री स्टेज. स्टेज में अक्सर देखा जाता है इसके सिम्टम्स उभरते हैं. सबसे पहला है कोल्ड स्टेज, सेकेंड है हॉट स्टेज, एंड थर्ड है स्वेटिंग स्टेज. इन द कोल्ड स्टेज द पेशेंट फर्स्ट फील्स कोल्ड, बट आफ्टर अ फ्यू आवर्स ही फील्स हॉट एंड हिज टेम्परेचर राइजेज स्टिल फर्दर. कि कभी बुखार चढ़ता है, कभी उतरता है, कपकपी होती है, कई चीज़ें होती हैं जो कि देखने को मिलती हैं. देन आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ सेवर डिस्कम्फर्ट एंड हेडेक द पेशेंट बीइंग टू स्वेट एंड हिज टेम्परेचर फॉल्स रैपिडली अंटिल अ फ्यू आवर्स लेटर. द पेशेंट फील्स क्वाइट कम्फर्टेबल ऑल्दो ही इज एग्जॉस्टेड एंड वॉर्न आउट. प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया. हाउ कैन बी प्रिवेंट देम फ्रॉम ब्रीडिंग. सबसे पहले तो उनको ब्रीड करने से रोकिए, मच्छरों को बढ़ने से रोकिए, उनको पनपने ही ना दीजिए. यूज इंसेक्टिसाइड विच आर मोर डेडली देन अदर मेथड्स. एनी अनडिजायरेबल कलेक्शन ऑफ वाटर शुड बी रिमूव्ड. रूफ चैनल्स एंड पाइप्स शुड नॉट बी अलाउड टू होल्ड वाटर. कहीं भी पानी ना रुकने पाए. Open drains carrying dirty water should have smooth sloping side and should be kept clean. कोई खुली हुई नालियाँ हैं तो उनकी ढलान अच्छी होनी चाहिए, और वहाँ पर पहली बात तो पानी रुकना नहीं चाहिए. Thin layer of oil should be mixed with DDT and spread on the surface of collected water in the pools which cannot be filled in or drained. Cure of malaria. कैसे हम मलेरिया को क्योर करें? टेक कुनैन और मेपाक्राइन, बट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द डॉक्टर. द पेशेंट मस्ट बी आस्क्ड फॉर कंप्लीट रेस्ट. डाइट मस्ट बी वेरी लाइट. ठीक है, तो ये तो आपका हो गया मलेरिया के बारे में. अब कुछ और भी डिजीज़ है यहाँ पे, जैसे फाइलेरिया है और कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं. तो ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय.